अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आज हम रिएक्ट कर रहे हैं कि नवी ने 9 साल की लड़की से शादी क्यों की। ये जो वीडियो है ये तारिक मसूद साहब का एक बयान है। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिकॉज मुझे भी अभी तक नहीं पता कि नवी ने किसी 9 साल की लड़की से भी मैरिज की थी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कौन लड़की थी और किन हालातों में नवी ने उस छोटी लड़की से मैरिज की थी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। साहब का वाकया मेरे सामने आया। मुसलमान थे, सारी जिंदगी एक इश्काल का जवाब ना मिलने की वजह से गुमराही में गुजरी। उन्होंने अपना वाकया बयान किया है कि मैं कहीं, बहुत पहले की बात है, कहीं किसी गैर मुस्लिम ने मुझ पर एतराज़ किया कि तुम मुसलमानों के जो पैगंबर हैं, माज़ अल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशत, वो तो माज़ अल्लाह अय्याश थे, उन्होंने तो 9-9 शादियां की है भाई, ये कैसे पैगंबर हैं, ये कैसे आखिरत के खौफ रखने वाले। कह रहे हैं ये इश्काल मेरे दिल में, इस इश्काल ने ऐसे वसवसे पैदा किए कि मैं इस्लाम से दूर हो गया। हालांकि उनको चाहिए था किसी आलिम के पास जाके अपने इस इश्काल को हल कर लेते। उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा इश्काल है, 9-9 बीवियां रखी हुई हैं एक एक टाइम पे, और उम्मत को 4 से ज्यादा पर क्या लगाई हुई है पाबंदी, और फिर 9 साल की उम्र की लड़की से भी शादी की हजरत आयशा से। तो कहते मेरे दिमाग में इतने वसवसे आए ना कि मेरी जिंदगी किसमें गुजरी, अय्याशियों में, सारी जवानी अय्याशियों में बर्बाद कर दी, जो असल उम्र होती है इंसान की बनने की। लेकिन अल्लाह का फजल हुआ, कहते हैं मैंने किसी आलिम का कहीं बयान सुना, उस बयान में वो तस्किरा कर रहे थे, उन्होंने मुझे इसकी पूरी हिकमत बताई तो मेरा दिमाग साफ हो गया कि यार मैं खामखा में गुमराही में पड़ा रहा हूं। मैं भी एक दफा एयरपोर्ट पे था ना, एक खातून बड़ी लिबरल किस्म की, वो आई और मुझे कहने लगी कि आप मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं। मैंने कहा जी। तो एक सवाल पूछना है, आप नाराज तो नहीं होंगे? पूछ ले, मेरे घर वाले भी साथ थे। मैंने कहा पूछ लें। तो मैंने कहा, कहती हैं कि मुझे, मैंने तजर्बा यह है कि जब मौलाना टाइप के लोगों से इस तरह का सवाल पूछो तो वो गुस्सा करते हैं, वो क्या करते हैं गुस्सा, और गुस्ताखी का फौरन फतवा लगा देते हैं कि आप तो नबी के गुस्ताख हो। मैंने कहा आप बिल्कुल आजाद होके सवाल पूछें, मैं आप पे गुस्ताखी का फतवा नहीं लगाऊंगा। उलाई सवाल हदीस में आता है कि जो मोहताज है ना उसका तो इलाज ही सवाल में, अगर उस पे सवाल पे पाबंदी लगा दोगे वो बेचारा कैसे, वो गुस्ताखी के चक्कर में ही लगा रहेगा। अगर ठीक है, सवाल मुहज़ब अंदाज में होना चाहिए, अल्फाज शाइस्ता होने चाहिए। तो उन मोहतरमा ने सवाल यही किया जो इन साहब ने किया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 बीवियां क्यों रखी और इतनी कम उम्र लड़की से आपने निकाह क्यों किया। यानी ये सवाल मेरे दिमाग में पक पक के ना मुझे इस्लाम से सवाल ने दूर कर दिया। मैंने उनसे कहा मुझे एक बात बताएं, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम माज अल्लाह अय्याशी के लिए किया होता तो अय्याशी की उम्र 50 साल होती है या 25 साल, बोलो ना। अय्याशी की उम्र 50 साल होती है या 25 साल में ज्यादा अय्याशी होती है? 25 साल में होती है ना। 25 साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की औरत से शादी कर रहे हैं जो 2 दफा बेवा हो चुकी थी। नहीं आ रही बात मेरा ख्याल। एक तो 25 साल में कोई अय्याश आदमी 40 साल औरत कंवारी से भी शादी नहीं करेगा, करके तो देखो अभी पूरा खानदान काट के फेंक देगा आपको, अव्वल तो खुद ही नहीं करोगे। नंबर 2, 25 साल की उम्र में 25 साल की अगर बेवा मिल रही हो तो उससे भी कोई शादी नहीं करेगा, और 25 साल की उम्र में ऐसी बेवा जो 2 दफा बेवा हुई हो और उसकी उम्र 25 साल हो उससे भी कोई शादी नहीं करेगा, तो 2 दफा बेवा हुई है। तो नबी ऐसी खातून से पहली शादी कर रहे हैं 25 साल की उम्र में जो बेवा भी है, 2 दफा बेवा, और उम्र भी कितनी है 40 साल, और अरब में 10-10 बीवियां रखने का रिवाज था, ये तो इस्लाम ने 4 पे आके बाउंड किया है, 10-10 बीवियां रखने का रिवाज था, मगर 15 साल जो जवानी का बेहतरीन हिस्सा है वो उसी एक औरत के साथ गुजार दिया, दूसरी शादी नहीं की। बहुत मुश्किल है बात समझाना। इससे साफ पता चलता है कि हमारे नबी के मिजाज में ऐशो इशरत बोलो नहीं था। हालांकि अरब में कम उम्र लड़कियों से शादी का रिवाज भी और 10-10 बीवियां रखने का रिवाज था। बहुत से सहाबा मुसलमान हुए हैं ना, तो जब इस्लाम कबूल किया उनके निकाह में 10 बीवियां थी, आपने फरमाया 4 को रखो बाकी सबको क्या कर दो छोड़ दो, 4 से ज्यादा की इजाजत नहीं है,
तो जिस माहौल में 10 बीवियां रखने की इजाजत है, जिसमें आपको ऑफरें की जा रही हैं कि आप अपने मिशन से पीछे हट जाएं, अरब की सबसे खूबसूरत तरीन औरतों से हम आपकी शादी करा देंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे एक हाथ पे चांद और एक पे सूरज रख दोगे, मैं अपने मिशन से पीछे नहीं हटूंगा। और 15 साल आपने 40 साल बेवा के साथ गुजार दिए, जवानी का बेहतरीन हिस्सा, जबकि कल्चर और माहौल और मुआशरा आपको ज्यादा शादियों की परमिशन क्या तरगीब दे रहा है। उस जमाने में कल्चर था, एक को मायूब समझा जाता था। फिर जब आपकी उम्र 50 साल होती है और हिजरत का वक्त आता है, उस वक्त आप धड़ाधड़ निकाह करते हैं, ये साफ बताने के लिए कि आपने जो इतनी बीवियां रखी, ये अपनी अपने मिजाज या माज अल्लाह ऐश की वजह से नहीं, बल्कि इस्लाम के हुक्म की वजह से, क्योंकि इस्लाम के अहकाम नबूवत के बाद और हिजरत के बाद आना शुरू हुए हैं। हिजरत से पहले इस्लाम के तफसीली अहकाम नहीं आए थे, बात आ रही है समझ में। और फिर उन 9 बीवियों में भी सिर्फ एक कंवारी है, बाकी 8 क्या हैं, तलाक याफ्ता और बेवा। जबकि अरब का कल्चर इजाजत दे रहा है 10 बीवियां रखने की भी, तो आपने 9 रखी, वो भी 50 साल के बाद। और अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मुझे किसी सोकन पे हसद नहीं, रश्क नहीं आता था मुझे अपनी किसी सोकन पे, क्योंकि मुझे पता था नबी को सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है, मुझसे। फरमाया, मुझे अगर आता था ना तो खदीजा पे आता था, 40 साल बेवा पे है भाई, जिनका इंतकाल हो चुका था। नबी मौत के बाद भी उनको याद रखते थे। एक दिन अम्मी आयशा ने फरमाया, या रसूलल्लाह, बुढ़ी औरत सुर्ख जबड़ों वाली, उसे सोच, आप उसे क्यों सोचते हो, उसे क्यों याद रखा है आपने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आ गया। तो जो ऐश परस्त होता है वो अपनी बूढ़ी बीवी को याद रखता है, बोलो है भाई, वो कभी याद नहीं रखता। अम्मी आयशा फरमाती, मुझे अगर गैरत आती थी ना, गैरत जैसे औरत में होता है ना कि भाई, तो वो किस्त पे आती थी, वो नबी की हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा हुस्न जमाल में मशहूर थी। हजरत आयशा का हुस्न जमाल नहीं था, हजरत आयशा को नबी से जो, यानी इतना नहीं था नबी को जो अम्मी आयशा से मोहब्बत थी, वो आपकी इल्म और फिकही बसीरत और जहानत की वजह से थी, जहीन बे इंतहा थी, इसलिए मोहब्बत थी। वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी जौजा हजरत आयशा से ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उस खूबसूरत बीवी पे हजरत आयशा को रश या गैरत नहीं आती थी। उनको पता था नबी की तबीयत उनकी तरफ ज्यादा मायल नहीं है, अगरचे वो खूबसूरत हैं, नबी मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं क्योंकि अल्लाह ने मुझे जहानत दी है, इल्म दिया है और मैं अबू बकर की बेटी हूं। लेकिन अम्मी आयशा फरमाती है, मुझे अगर गैरत किसी जौजा पे आती थी, यानी गैरत का मतलब जैसे सोकन में होता है ना कि काश वो जौजा आपकी जिंदगी में ना आती, वो किस पे? खदीजा पे। एक हिंदू ने लिखा है, मैंने खुद पढ़ा है हिंदू की किताब में, हिंदू ने लिखा है कि इस कदर अपनी पहली बीवी से मोहब्बत करना जिसकी उम्र भी ज्यादा हो, ये ऐश परस आदमी का काम नहीं हो सकता। और अम्मी आयशा ने जब फरमाया ना कि आप उनसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं, फरमाया, आयशा, उसने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब मेरी कौम ने मुझे धुतकार दिया था। तो आप उनकी क्वालिटीज देख रहे हैं, सिफात देख रहे हैं। ऐश परस आदमी सिर्फ शक्ल देखता है, औसाफ नहीं देखता। तो हिंदू ने लिखा है कि नबी ने जो बड़ी उम्र में जाके इतनी शादियां की हैं, हिंदू इसका इतराफ करता है कि इससे साफ पता चलता है इस अमल का मकसद अपनी कौम के मर्दों को कसरत निकाह की तरगीब देना, ताकि वो भी मुआशरे की बेसहारा औरतों को सहारा दें। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो खैर, और रहा ये मसला कि उम्मत को तो चार और खुद ज्यादा, तो देखो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज अल्लाह नकले कुफर, कुफर नबाशत, आपकी तबीयत में ऐश होता, तो ऐश परस आदमी खुद भी अय्याशी करता है, दूसरों को भी अय्याशी की इजाजत, बोलो, देता है। वो दूसरों के लिए ऐसा कानून थोड़ी बनाएगा, वो कहेगा भाई जब मैं 9 रख रहा हूं तुम 10 रखो, क्योंकि उस पर तो उंगली भी उठेगी ना कि आप हमारे लिए क्यों कर रहे हैं कम। तो इससे पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो इजाजत दी थी एक से ज्यादा औरतें रखने की, उसमें हिकमतें और मसलहतें थीं, और उम्मत पर चार से ज्यादा की पाबंदी इसलिए लगाई कि क़यामत तक अब एक कानून बनाया जा रहा है, उस कानून में अगर आपको चार से ज्यादा की इजाजत दे दी तो मालदार लोग 15-15, 20-20 रख लेंगे, गरीबों के हिस्से में एक भी, बोलो, औरतें इतनी थोड़ी पैदा हो रही हैं,
इतनी थोड़ी औरतें कोई बरसाती मेंढकों की तरह पैदा हो रही हैं, धड़ धड़ 10 रखो, 20 उधर कर दो, 40 उधर कर दो। उसका नतीजा ये निकलता कि गरीब औरत अक्सर मालदार को तरजीह देती है। करोड़पति लोग 10 भी रखते, वो क्या करते, 10 बंगले बना के दे देते, गरीब गरीब औरतों चली जाती। और जो बेचारा मुआशरे का गरीब आदमी है, उनमें आधे से ज़्यादा लोग गटर के ढकनों पर बैठ के गुजारा करते। तो इस्लाम ने कहा कि भाई 4 से ज़्यादा नहीं, समझ रहे हो, क्योंकि औरतें एक हिसाब से पैदा होती है ना। तो ये बहुत सारी मसले थे इसमें। तो वो साहब जो पूरी जिंदगी उनकी जवानी बर्बाद हुई, गुनाहों में गुजरी, आखिर में आंखों उनको उनको इस इश्काल का जवाब मिला। कहते हैं मैं इतना रोया जब मुझे जवाब मिला, मैंने कहा इतनी पाकीज़ा सीरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और मैंने सारी जिंदगी इस वसवसे में बर्बाद कर दी। तो गैर मुस्लिम इसी पे घूमते रहते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें नबी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हर बात के बारे में इल्म हो, पता हो, तभी हम लोग ये चीज़ बता पाएंगे कि मतलब उसका क्या रीज़न था कि नबी ने 9 शादियां की थी और बाकी सबको 4 के लिए बोला गया, कि उस टाइम पे जबकि लोगों को मतलब मल्टीपल शादियां करते थे वो लोग, 9 9 10 आम बात थी कि लोग छोटे छोटे बच्चियों से भी शादी कर लेते थे और 9 10 बीवियाँ रखते थे, ऐश करते थे। लेकिन जो नवी हैं उन्होंने जितनी भी शादियां की थी वो इस पर्पज़ से नहीं की थी कि वो ऐश करना चाहते थे, क्योंकि हमें पता है उनकी जो फर्स्ट बीवी थी हजरत खदीजा, जो कि बिजनेस करती थी, और वो भी 40 इयर्स की थी जब नवी ने उनसे शादी की थी, और उसमें भी नवी ने उन्हें प्रपोज़ नहीं किया था, हजरत खदीजा ने खुद उनके नवी के घर में अपनी शादी के लिए रिश्ता भिजवाया था कि वो उनसे शादी करना चाहती हैं। और नवी की जितनी भी शादी हुई उन्होंने या तो किसी बीवा के साथ की थी या तलाकशुदा औरत के साथ की थी, तो उनका पर्पस यही था कि वो उनको एक आसरा देना चाहते थे कि ठीक है कि हम लोगों को पता ही है कि उस टाइम पे जो तलाकशुदा, इवन आज के डेट में भी अगर हम देखें जो तलाकशुदा होती हैं या जो विडो हैं, तो उनकी कंडीशन बहुत ही पैथेटिक होती है सोसाइटी में। ऑल दो बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि उन्हें दूसरे जो हस्बैंड हैं वो अच्छे मिल जाएं या अच्छी फैमिली मिल जाए या वेल सेटल लड़का मिल जाए जो उनको सेम रिस्पेक्ट और प्यार दे जो कि एक उस लड़की को मिलती है जिसकी फ़र्स्ट टाइम मैरिज हुई होती है। तो नवी ने अय्याशी के लिए शादियां नहीं की थी, या उन्होंने अय्याशी के लिए एक 9 साल की लड़की से शादी नहीं की थी, उन्होंने इसीलिए की थी जो बाकी औरतों से भी शादी थी, क्योंकि वो उन लोगों को आसरा देना चाहते थे। तो बाकी कहने वाले तो कुछ भी बोलते हैं, जितने मुंह उतनी बातें। तो इसमें गलती उन लोगों की नहीं है जो कह रहे हैं कि नबी ने इतनी शादियां की क्यों की थी, इसमें गलती है कि उनकी लैक ऑफ नॉलेज की, कि उन्हें नॉलेज नहीं है उस चीज़ की। और सबसे बड़ी गलती सामने वाले बंदे की है जिसको सब पता है नबी की ज़िंदगी के बारे में, बट वो जब सामने वाले से सुनता है कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि नबी अय्याश थे या नबी ने 9 शादियां की थी या नबी ने ऐसा किया नबी ने वैसा किया, नहीं नहीं गुस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि सामने वाले बंदे को उनके उस क्वेश्चन का आंसर दो कि अगर उन्होंने बोल दिया कि नबी अय्याश थे, उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं थी, उन्होंने कहीं से सुना, क्योंकि वो 9 शादियां भी उन्होंने कैसे पता चली, उन्होंने कहीं से सुना होगा, सुना इसलिए उन्होंने अपनी वैसे ही नबी की यू नो नबी की इमेज वैसे ही अपने माइंड में बना ली कि नबी ऐसे होंगे, इसलिए उन्होंने 9 शादियां की थी। लेकिन नहीं, ये अगर उन्हें नॉलेज नहीं है और जिस बंदे को नॉलेज है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सामने वाले बंदे को एक्सप्लेन करे, बताए कि क्या सही है और क्या गलत है, कि उसके पीछे उनका पर्पस क्या था 9 शादियां करने का। अगर हम सामने वाले को बस ये बोल देंगे कि तुम बकवास मत करो हमारे नबी के बारे में या ऐसा क्यों बोल दिया वैसा क्यों बोल दिया, गलती हमारी है जिन्हें पूरी नॉलेज है नबी की ज़िंदगी के बारे में, जिन्हें पता है कि नबी ने इतनी शादियाँ क्यों की थी। तो अगर हम उन लोगों को नहीं बताएंगे, उनके जो भी डाउट्स हैं उनको हम लोग क्लियर नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली उनके माइंड में हमेशा वो चीज़ रहेगी कि नबी ने इतनी शादियां की थी। तो हर वो बंदा जिनको नबी की ज़िंदगी के बारे में पूरी नॉलेज है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सामने वाले बंदे को जिनको नॉलेज नहीं है और उनके मन में कोई डाउट है नबी की ज़िंदगी को लेकर, तो वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करे रादर देन कि उनसे आर्ग्यूमेंट करे और फाइट करे। तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उन्हें कोई भी ऐसा शख्स मिलता है जो इस्लाम के बारे में या नबी के बारे में कुछ गलत बोलता है, कि उसके डाउट्स क्लियर करो और उन्हें बताओ कि एक्चुअल पर्पस क्या है या एक्चुअल उनका एम क्या था वो सब करने का। और आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं जी। बाय बाय।